सिंगौली सहकारी बैंक में पेंशन समय पर नहीं मिलती, जिससे लोगों को बहुत परेशानी है। लोगों को कई कई घंटे बैंक में इंतजार करना पड़ता है, परंतु बुजुर्ग पेंशन धारक लोग सुबह से शाम तक बिना पेंशन मिले वापस कर जाने को मजबूर हैं। यह सिलसिला कई सालों से यूं ही चला आ रहा है, जिस कारण पेंशन धारक लोगों को कई बार सहकारी बैंक के स्टाफ से कहा सुनी भी हो जाती है। इसके अलावा सहकारी बैंक में व्यवस्था भी अच्छी नहीं है, क्योंकि इस बैंक का स्टाफ ही पूरा नहीं है। बैंक मैनेजर की ड्यूटी दो जगह होने पर स्टाफ की कमी होने के कारण बैंक की व्यवस्था चरमराई हुई है। इसके अलावा सबसे बड़ी खासियत इस बैंक की यह भी है कि बैंक लाखों के घाटे में चल रहा है और बंद होने के कगार पर है। जब इस समस्या को लेकर बैंक के मैनेजर संजीव कुमार से बातचीत की गई तो उन्होंने अपनी समस्या बताई, मेरी ड्यूटी दो जगह पर है, इसलिए मैं इस बैंक को पूरा समय नहीं दे पाता, जिस कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन लोगों ने दबी जुबान में यह भी कहा कि बैंक का रवैया कुछ अच्छा नहीं है। लोगों ने सरकार से मांग की है इस सरकारी बैंक की तरफ ध्यान दिया जाए। हाँ जी, आप अपनी प्रॉब्लम बताइए। हम पेंशन के लिए बैठे हैं। ठीक है। कई बार मुलाजिम कम है यहाँ पे, तो कई बार कई कई हफ्ते तक भी पेंशन मुलाजिम कम होने के कारण ये दो एक दो मुलाजिम है वो अपने कार्यालय में लगे रहते हैं। सोसाइटी का काम है, किसानों जिम्मेदारों का, उसमें लगे रहते हैं, तो बेचारे वो काम पूरा कर नहीं पाते। अगर मुलाजिम यहाँ पूरे हो जाए तो हमें आशा है कि हमें पेंशन भी टाइम पे मिलेगी। तो कभी ये होता है कि पेंशन 15 दिन लगे या महीना लगा हो, लेट हुई हो? लग जाते हैं, कई बार हो जाता है, मतलब 2 महीने बाद आई हो पेंशन। हाँ, कई बार आई है, पहले ऐसे हुआ है।